तो अभिषेक जी ने दोनों ईयरबड्स लगा लिए हैं और यहाँ पर इनका शायद म्यूजिक भी प्ले हो रहा है। अभिषेक अभिषेक अभिषेक, कुछ सुनाई दे रहा है? तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के, आज हम लोग बिल्कुल बैठ के तगड़े तरीके से रिव्यू करने वाले हैं टेस्टिंग के साथ बोट निर्वाणा आयन ANC ट्रू वायरलेस ईयरबड्स को। ये बोट निर्वाणा आयन के सक्सेसर है और आप लोग जानते ही हैं बोट निर्वाणा आयन जब लॉन्च हुआ था 10 मिनट में ही आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था, इतना ज्यादा खतरनाक क्रेज था उस ईयरबड्स का। और इसका प्राइसिंग अप्रॉक्सिमेटली 2800 रुपीज के आसपास। इसमें आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर मिलने वाला है और अगर आप चाहते हैं आपको अपना नाम भी यहाँ पे पर्सनलाइज करवाना है ईयरबड्स से केस के ऊपर, तो बोट के ऑफिशियल वेबसाइट पे 99 रुपीज एड ऑन करके ईयरबड्स से केस पे अपना नाम भी पर्सनलाइज करवा सकते हैं। ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है ब्रांड ने, जो कि दूसरे ब्रांड्स मेरे हिसाब से इस टाइम ऐसा कोई इनिशिएटिव प्रोवाइड नहीं किया गया है नाम लिखवाने का केस के ऊपर। और इसमें आपको ANC मोड के साथ मिलने वाला है डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन, गेमिंग मोड मिल जाएगा, एप्लीकेशन सपोर्ट मिलने वाला है, फीचर्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बाकी इसके बॉक्स के अंदर कंटेंट क्या है, इसका आउटपुट कैसा है, सारी हम टेस्टिंग करेंगे, प्रॉपर आपको डिटेलिंग बताऊंगा अगर आप सोच रहे हैं इसको परचेज करने का, एंड तक पहुंचते पहुंचते आप डिसाइड कर ही लेंगे कि ये कितना वर्दी प्रोडक्ट है। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहां पर शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहां पर आपको बोट निर्वाणा आयन ANC ट्रू वायरलेस ईयरबड्स का ऐसे बिल्कुल आपको प्रीमियम सा बॉक्स मिलने वाला है ब्रांड की तरफ से। बैक साइड में काफी फीचर्स मेंशन किए गए हैं, सब आगे डिटेलिंग में चेक किए जाएंगे। इसको आप करेंगे अनबॉक्स तो आपको ऐसी पैकेजिंग मिलने वाली है, यहाँ पे आपको बिल्कुल बुक शेप की आपको पैकेजिंग मिलने वाली है, एक एक चीज बढ़िया तरीके से पैक की गई है इसमें। और यहाँ पर हम देख सकते हैं बोट ब्रांड प्रीमियम कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स पे भी यहाँ पे बिल्कुल ध्यान दे रहा है, अच्छे अच्छे नए नए प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए जा रहे हैं उनकी तरफ से। सबसे पहले आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक वारंटी कार्ड, वारंटी आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको QR कोड दिया गया है यूजर मैनुअल डाउनलोड करने का, एक अच्छा इनिशिएटिव है पेपर वर्क बचाने का। यहाँ पे फाइनली बोट ने यहाँ पे ध्यान दिया पेपर वर्क बचाने को लेके। बोट का आपको ब्राउचर मिल जाएगा, साथ ही में एक IMA बोर्डेड का स्टिकर मिलने वाला है। एडिकेट लेंथ की आपको टाइप सी केबल मिलेगी टू चार्ज योर केस, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स के साथ अपने कानों के साइज के हिसाब से आप यूटिलाइज कर पाएंगे। और मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दिस इज द केस यू विल बी गेटिंग, ऐसा लुक एंड फील का यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सिमिलर लुक एंड फील का जो आयन में केस दिया गया है वैसा आपको लुक एंड फील का ANC में भी केस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ऐसे टेक्सचर मटेरियल यूज किया गया, पूरा आपको ग्लॉसीनेस मिलने वाली है केस पार्ट को लेके। फ्रंट में आपको बोट की ब्रांडिंग के साथ एक बैटरी इंडिकेटर लाइट मिलने वाली है, नीचे आपको यहाँ पे टाइप सी का पोर्ट मिलेगा, एक यहाँ पे आपको रीसेट का बटन मिलने वाला है। और केस यहाँ पे आपको अच्छा कॉम्पैक्ट मिल जाएगा, इसको आराम से पोर्टेबल तरीके से पॉकेट में कैरी करते हैं, बैग में कैरी करते हैं, उसको लेकर दिक्कत नहीं आने वाली है। और केस को ओपन करेंगे दोनों ही बड्स यहाँ पे पैक्ड है, लेफ्ट राइट भी मेंशन है LR। और इसमें आपको मिलने वाले हैं मैग्नेट्स, ईयरबड्स नहीं गिरते केस के अंदर से। और जो केस का लॉक दिया गया वो आपको काफी प्रॉमिसिंग लॉक मिलने वाला है, ऑटोमेटिक ऐसे बंद नहीं होता है, सही आपको लॉक मिल जाएगा, इसको आपको ऐसे मैन्युअली बंद करना पड़ेगा। साथ ही में आपको इंस्टेंट वेक एंड पे टेक्नोलॉजी दी गई है, अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन स्टैब्लिश कर चुके हैं केस को आप ओपन करेंगे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट हो जाएगी। इसमें आपको गूगल फास्ट पेयरिंग का ऑप्शन भी दिया गया है और केस को आप बंद करेंगे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में डिस्कनेक्शन भी हो जाएगा। IWP फीचर इसका डिसेंट तरीके से वर्क करता है। डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन दिया गया, ये भी एक प्लस पॉइंट, आप एक टाइम पे दो डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। और बर्ड्स आपको मिलने वाले हैं स्टेम शेप के, बिल्कुल आपको सिमिलर लुक एंड फील के ईयरबड्स मिल जाएंगे जैसे आपको आयन में मिले थे वैसे आपको लुक एंड फील के ईयरबड्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत टेक्सचर मटेरियल यूज किया गया बर्ड्स में, ग्लॉसीनेस और मैट फिनिश कॉम्बिनेशन दिया गया है। फिटिंग में आपको वैसी मिलने वाली जैसे आपको आयन में मिलने वाली ANC में आपको वैसी फिटिंग मिल जाएगी, अगर आप प्रॉपर ईयर कप्स लगाएंगे फिटिंग पार्ट को लेकर दिक्कत नहीं आने वाली है, अच्छे तरीके से कानों को होल्ड करते हैं, आप चाहते हैं एक्टिविटीज भी करना वर्कआउट्स करना, मैंने यहाँ पे काफी कोशिश की हुई है कानों से ये नहीं गिरते हैं। और अगर हम डालेंगे एक नजर इनके फीचर्स पार्ट को लेकर अब, तो इसमें आपको मिलेगा ब्लूटूथ वर्जन 5.2, IPX4 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट फीचर, 10mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, SBC AAC कोडेक का सपोर्ट, डुअल इक्वलाइजर मोड्स मिलेंगे, इसमें आपको बोट का सिग्नेचर साउंड मिलेगा और साथ ही में इसमें आपको क्रिस्टल बायोनिक मोड पावर्ड बाय हाईफाई DSP5 का सपोर्ट मिलने वाला है। इंस्टेंट वेक एंड पे टेक्नोलॉजी मिलेगी, डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट और माइक्स का सेटअप ENS टेक्नोलॉजी के साथ, डेडिकेटेड आपको गेमिंग मोड मिल जाएगा, बीस्ट मोड, इन ईयर डिटेक्शन फीचर, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर मोड, ट्रांसपेरेंसी मोड, बोट हेरेबल्स एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलने वाला है। इसमें आपको बोट एडेप्टिव इक्वलाइजर का सपोर्ट भी मिल जाएगा एप्लीकेशन में। और साथ ही में आपको मैसिव 20 से 24 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज, मेनली अगर आप म्यूजिक को 70% वॉल्यूम पे सुनते हैं। और ANC मोड पर भी डिपेंड करता है, ANC के साथ म्यूजिक सुनेंगे आपको कंपैरेटिवली कम बैटरी लाइफ मिलेगी, बिना ANC के म्यूजिक सुनेंगे डेफिनेटली जो 20 से 24 घंटे का प्ले टाइम है अगर आप 70% वॉल्यूम पे सुनेंगे आपको डेफिनेटली क्लेम बैटरी लाइफ मिल जाएगी। और साथ ही में अगर आप ईयरबड से केस को यूज करते हैं मैसिव आप 120 घंटे का प्ले टाइम ले सकते हैं यूजिंग द चार्जिंग केस, फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। इसमें जो बैटरी है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बैटरी इसकी काफी आपको बढ़िया मिलने वाली, जैसे आपको आयन में मिली थी वैसे इसमें आपको मिल जाएगी।
और अगर हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन सपोर्ट की, अब इसमें आपको बोट हेरेबल्स एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलने वाला है। जैसे आप कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे यहाँ पर आपको निर्वाणा आयन एएनसी का ऑप्शन दिखा देगा। कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के बाद यहाँ पे जो लेफ्ट और राइट ईयरबड की बैटरी बची हुई है यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर, डिफॉल्ट मोड और ट्रांसपेरेंसी मोड मिलने वाला है। और अगर हम इसके अलग अलग मोड्स की बात करेंगे, यहाँ पे अगर आप राइट ईयरबड को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये मोड स्विच करता है। राइट ईयरबड को लॉन्ग प्रेस करेंगे एएनसी मोड, फिर लॉन्ग प्रेस करेंगे ये एम्बिएंट मोड में आ जाएगा। और अगर हम इसके एएनसी मोड की बात करेंगे, एएनसी मोड में आप जैसे ही स्विच करेंगे आपको साफ साफ डिफरेंस तो पता चल जाएगा। अगर आप शांति में बैठे हुए हैं, अगर आप म्यूजिक नहीं सुन रहे हैं, दूर की आवाजें बिल्कुल नहीं पता चलने वाली हैं, सामने आपके थोड़ा तेज तरीके से बोलेगा आपको हल्का हल्का सुनाई देगा। और एएनसी को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने अपने जो टीम मेंबर है अभिषेक जी हैं, जो हमारे कैमरामैन एडिटर है, उनको मैंने यहाँ पे ईयरबड्स पकड़ा दिए थे, उनको एएनसी मोड ऑन करके मैंने यहाँ पे लगा दिया था। यहाँ पर मैं थोड़ा हल्के हल्के तरीके से फुसफुसा रहा था, लेकिन उनको यहाँ पे हंसी आ रही थी, उनको लग रहा था मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, उसे वैसे लिपसिंग कर रहा हूँ, कुछ बोल नहीं रहा हूँ। हंस क्यों रहे थे अभिषेक तुम? आपकी आवाज तो सुनाई नहीं दे रही थी, आप जो लिपसिंग कर रहे थे ना, आपके लिपसिंग से कुछ और लग रहा था, कुछ और बोल रहे हो, इसलिए आ रही थी ऐसी। इसका एएनसी फीचर सही तरीके से वर्क करता है, उसको लेके मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। साथ में एम्बिएंट मोड की बात करेंगे, ट्रांसपेरेंसी मोड भी काफी एक्टिविटीज कैच कर लेगा बैकग्राउंड की, प्लस पॉइंट ये रोबोटिक आवाज क्रिएट नहीं करता है। आपको म्यूजिक भी एंजॉय करना है, आपको बैकग्राउंड एक्टिविटीज भी पता चलती रहे, उस पर्पस के लिए एम्बिएंट मोड सही तरीके से वर्क करता है। यहाँ पर आपको बोट अडेप्टिव इक्वलाइजर मोड का ऑप्शन मिलने वाला है, इसको ऑन करके जैसे हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे आप रिचनेस जो आउटपुट है, क्लैरिटी है वोकल्स को लेके यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप लेवल सेट कर सकते हैं, कितने आपको यहाँ पे आउटपुट पे क्लैरिटी चाहिए, वोकल्स पे क्लैरिटी चाहिए। डिटेलिंग पार्ट आपको बिल्कुल फोकस जाना है, क्रिस्पनेस पार्ट पे यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। साथ ही में आपको यहाँ पे हियरिंग टेस्ट करना है, आपकी कान कितने फ्रीक्वेंसीज कैच करता है, हियरिंग टेस्ट करके आप प्रॉपर तरीके से आउटपुट ले पाएंगे ईयरबड्स के थ्रू। ये एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव दिया गया यहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट में। मल्टीपल यहाँ पे आपको इक्वलाइजर मोड्स मिलने वाले हैं, यहाँ पे आपको डिफॉल्ट मोड, क्लासिक, जैज, पॉप, रॉक, यहाँ पे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपको इक्वलाइजर मोड्स कैसे चाहिए, आपको वोकल से फोकस जाना है, बेस से फोकस जाना है, यहाँ से आप कर सकते हैं। वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं एप्लीकेशन पार्ट से डायरेक्टली। टच कंट्रोल्स को भी, जो लेफ्ट और राइट ईयरबड के टच कंट्रोल्स है, सिंगल टैप से, डबल टैप से, ट्रिपल टैप से, एक्जैक्टली क्या हो, फुल टच कंट्रोल्स मिलने वाले, आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये भी एक अच्छा फीचर दिया गया यहाँ पे। और सिस्टम में आप जाएंगे तो इसमें आपको इनी डिटेक्शन फीचर मिलने वाला है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसका इनी डिटेक्शन फीचर सही तरीके से वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका म्यूजिक प्ले हो रहा है, अगर आप किसी भी ईयर को कानों से बाहर निकाल देंगे तो म्यूजिक पॉज हो जाएगा, वापस अगर आप कानों में लगा देंगे ईयरबड्स को तो म्यूजिक प्ले हो जाएगा। इसका इनी डिटेक्शन फीचर बिल्कुल बढ़िया तरीके से वर्क करता है, उसको लेके मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। अगर आपको नहीं चाहिए तो ऑफ भी कर सकते हैं एप्लीकेशन पार्ट से। यहाँ पर आपको मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी का ऑप्शन दिया गया, जो डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन है, उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, एक टाइम में आप दो फोन से कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी एक बढ़िया इनिशिएटिव है। टाइमली अपडेट्स आते रहते हैं, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं एप्लीकेशन पार्ट से। यहाँ पे आप डायग्नोस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत आती है ईयरबड से पेयरिंग को लेकर, एक ईयरबड काम नहीं कर रहा है या कोई दिक्कत आती है, यहाँ से आप डायग्नोस कर सकते हैं। एप्लीकेशन यहाँ पे काफी यूजफुल दी गई है मेरे हिसाब से, आप प्रॉपर तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, मल्टीपल आपको कस्टमाइजेशन मिल जाएगी, इसको यूटिलाइज करके आप प्रॉपर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं ईयरबड्स की। और अगर हम इसके गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करेंगे, जो बीच मोड दिया गया है 60 मिलीसेकंड लेटेंसी क्लेम की, आप देखिए बीजीएमआई गेम टेस्ट लगे हाथ। जो 60 मिलीसेकंड लेटेंसी क्लेम की है काफी हद तक जस्टिफाई करती है, मुझे 50-60 मिलीसेकंड के ज्यादा लेटेंसी लग रही थी। यहाँ पे मैंने गेमिंग मोड ऑन करके एसबीसी कोडेक में ऑन करके गेमिंग करी थी, इसमें आपको बढ़िया गेमिंग मिलने वाली है। स्टीरियो रेजोल्यूशन आपको बढ़िया मिल जाएगा, एनीबीस यहाँ से यानी कि यहाँ से यानी पता कर पाएंगे, इसको आप अच्छी गेमिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। बात कर लेते हैं आप साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी की। 10 डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं एसबीसी एसी कोडेक के सपोर्ट के साथ, और इसमें आपको डुअल इक्वलाइजर मोड्स मिलने वाले हैं, इसमें आपको सिग्नेचर साउंड मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट ईयरबड को लॉन्ग प्रेस करते हैं, 3 सेकंड्स के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये मोड स्विच करता है सिग्नेचर मोड और बैलेंस मोड में। जो सिग्नेचर मोड है वो बोर्ड का सिग्नेचर मोड मिलने वाला है, और जो बैलेंस मोड है वो आपको क्रिस्टल बायोनिक साउंड पावर्ड बाय हाईफाई डीएसपी 5 का सपोर्ट मिल जाएगा। उसमें एक्जैक्टली क्या होगा, वोकल से प्रॉपर तरीके से फोकस रहेगा, अगर आपको डिटेलिंग से मतलब है, क्रिस्प आपको आउटपुट चाहिए, आपको इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन वोकल्स पे ज्यादा फोकस जाना है, बेस काफी तक कम कर देगा लेकिन वोकल्स पे सही तरीके से फोकस रहेगा, उस पर्पस के लिए चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली मुझे जो बोर्ड का सिग्नेचर साउंड है ना, उसमें आपको बढ़िया आउटपुट मिलने वाला है, इस पर माय एक्सपीरियंस। बढ़िया आपको लाउडनेस मिलने वाली है, अच्छे आपको वोकल्स पे क्लैरिटी, प्रॉपर आपको यहाँ पे बेस इफेक्ट्स मिलने वाले हैं, काफी आप बोल सकते हैं आपको बैलेंस मिलेगा आउटपुट म्यूजिक और बेस पार्ट को लेके। बेस लवर है, म्यूजिक लवर है, इसको डेफिनेटली अगर आप सिग्नेचर मोड में सुनेंगे आपको बढ़िया म्यूजिक और बेस का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। साउंड लीकेज की बात करेंगे, यहाँ पे आपको फुल वॉल्यूम पे बहुत ज्यादा साउंड लीकेज देखने को नहीं मिलने वाला है, 80% वॉल्यूम से ऊपर जाएंगे शांति में बैठे हुए तब आपको सामने वाला बता देगा आप कानों में क्या सुन रहे हैं। फैन के नीचे बैठे हैं, थोड़ा नॉइजी एनवायरनमेंट में है, फुल वॉल्यूम पे सुन सकते हैं, साउंड लीकेज यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हम बात करेंगे इससे कॉलिंग एक्सपीरियंस की, 4 माइक्स का सेटअप दिया गया है ईएनएक्स टेक्नोलॉजी के साथ। अब आप देखिए हमारा डीआरएस एचडीआरएस हैवी दीक्षा रिव्यू सिस्टम। हेलो, हाँ दीक्षा जी, क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, बैठी हुई, बताओ। ओके यार, अभी मेरे पास यहाँ पे ना बोट ब्रांड की तरफ से बोट निर्वाणा आईएनएएनसी इनके एक ईयरबड्स लॉन्च हुए हैं। हाँ।
तो इसका मैं यहाँ पे ऐसे ही कॉलिंग टेस्ट कर रहा हूँ हमेशा ऐसे। मैं पहले से अपने पार्क साइड कंडीशन में हूँ, पार्क में आया हुआ हूँ, तो ईयरबड्स के थ्रू बातचीत कर रहा हूँ, तो मेरी आवाज़ समय कैसी आ रही है? आवाज तो अच्छे समझ में आ रही है, वोकल्स ओके। समझ में आ रहे हैं, अच्छे से क्लियर लग रहे हैं। बाकी ऐसे कोई एक्टिविटीज को लेके, हालांकि आज एक्टिविटीज यहाँ पे हो नहीं है आसपास, तो मेरी आवाज़ पे कितना परसेंटेज फोकस बोल सकती है वैसे? अभी तो 80 to 85%, 85% तक फोकस है। अच्छे से फोकस। हाँ अब थोड़ा ट्रैफिक कंडीशन में जाऊंगा, बताना कैसी कॉलिंग है। हाँ दीक्षा, हाँ अब मैं तुमसे ना सेम ईयरबड से बात कर रहा हूँ, INANC से। आज तो हाँ अब मैं यहाँ पे थोड़ा रोड साइड कंडीशन में आ गया हूँ, यहाँ पे साइड में रोड है, काफी गाड़ी जा रही है, हाईवे रोड है एक तरीके से। तो अब तो मैं कंपेरेटिवली मेरी आवाज कैसी आ रही है एज कम्पेयर टू इंटर कंडीशन, यहाँ पे ट्रैफिक कंडीशन में? हैवी ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से भी तुम्हारी आवाज़ अच्छी से समझ में आ रही है, लेकिन बैकग्राउंड ठीक है, क्लैरिटी भी मतलब थोड़ी अच्छी खासी कैच हो रही है, वो भी तो कितना परसेंटेज फोकस बोल सकती है मेरी आवाज पे फोकस आउटर कंडीशन में? अभी 70% तुम्हारी आवाज पे फोकस है, बाकी बैकग्राउंड की एक्टिविटी बाकी ऐसे समझने में कोई दिक्कत आ रही है मुझे आउटर कंडीशन में? नहीं। ठीक है दीक्षा, थैंक यू। ओके हाँ बाय। कॉलिंग इसमें आपको अच्छी मिलने वाली है, मेनली अगर आप यहाँ पे इंडोर कंडीशन में है, नॉर्मल आउटडोर कंडीशन में, ज्यादा ट्रैफिक कंडीशन में नहीं है, उसमें आपको बढ़िया कॉलिंग मिल जाएगी। लेकिन आप ट्रैफिक कंडीशन में है तो आपको सामने वाला फोकस ही सुन तो पाएगा, लेकिन एक्टिविटीज भी काफी तक कैच कर लेगा बैकग्राउंड की। मतलब इसमें आपको इंडोर कंडीशन में काफी बढ़िया कॉलिंग मिलने वाली है, आउटडोर कंडीशन में आपको डिसेंट कॉलिंग मिल जाएगी। अब हम कर लेते हैं रेटिंग्स फाइनली, साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी, गेमिंग एक्सपीरियंस, इसके ANC मोड को आउट ऑफ 10। तो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 9 out of 10, मैं बेस क्वालिटी को भी दूंगा 9 out of 10, मैं कॉल क्वालिटी दूंगा 8 out of 10, मैं इसके गेमिंग एक्सपीरियंस को दूंगा 9 out of 10, और मैं इसके ANC फीचर को भी दूंगा 9 out of 10। दीज आर द रेटिंग्स अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस ईयरबड्स, अप्रॉक्सिमेटली 2800 रुपीज इसका लॉन्च प्राइस है। और देखा जाए मेनली अगर आपको यहाँ पे ऑलराउंडर पैकेज चाहिए, आपको यहाँ पे बढ़ के फीचर्स भी चाहिए, मैसिव आपको बैटरी लाइफ चाहिए, ANC का फीचर बढ़िया तरीके से वर्क करता है, म्यूजिक और बेसिक कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कॉलिंग यहाँ पे आपको डिसेंट मिल जाएगी, गेमिंग आपको बढ़िया मिलने वाली है, ये डिटेक्शन फीचर मिल जाएगा, डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट मिलने वाला है, एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलने वाला है, फीचर्स आपको भर भर के मिलने वाले हैं, इसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आप आपको केस में अपना नाम भी लिखवाना है, वो भी आप पर्सनलाइज कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। मैंने आपको सारी टेस्टिंग दिखा दी प्रोज एंड कॉन्स के साथ, इसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। अब आप पे डिसीजन मैटर करता है इसको परचेज करना चाहिए कि नहीं, मैंने पॉसिबल लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर आप चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आया तो। आपको अभी भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो कमेंट्स में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग रिव्यूज, रेटिंग्स, कॉलिंग टेस्ट, गेमिंग टेस्ट एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद द रिसेंटली लॉन्च बोट निर्वाणा INANC ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।